बंधन मोक्ष कहाँ है? मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष योग, हमारे ऋषियों ने कहा मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष योग, यानी बंधन और मोक्ष में जो कारण है वह मन का है। मन से ही बंधन बनता है और मन से ही मुक्ति मिलती है। मन चाबी की तरह है, जैसे ताला होता है तो ताला के लिए कितनी चाबी चाहिए? खोलने और लगाने के लिए, खोलने के लिए ताला, खोलने के लिए और लगाने के लिए कितनी चाबी चाहिए? दो चाहिए कि वह एक चाहिए? एक चाहिए। क्यों भाई? खोलना है लगाना है, काम तो दो हो रहा है तो फिर एक कैसे होगा? एक से लेकिन होता है एक से, वे नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। वही चाबी है जो ताला बंद कर देता है, वही चाबी है जो ताला खोल देता है। वैसे ही मन है, मन ही बंधन बनाता है और मन ही मोक्ष का कारण बनता है। मोक्ष के लिए भी मन चाहिए और बंधन के लिए भी मन ही चाहिए। मन से बंधन बनता है और मन से आदमी मुक्त होता है। मन की गांठें खुल गई, मुक्ति। अभी सुन रहे थे, कुंभ बांधा जल रहे, जल बिनु कुंभ ना हो, और मन है ज्ञाने बांधा मन रहे और मन बिनु ज्ञान ना हो। घड़ा होता है, घड़ा तो सब जानते हैं, हर क्या आजकल तो बर्तन का जमाना है, लेकिन घड़ा से समझते हैं। घड़ा कैसे बनता है? केवल मिट्टी से नहीं बनती है घड़ा, उसके लिए पानी चाहिए। पानी से मिट्टी को सान करके वो आकार देते हैं घड़ा का, यानी घड़ा पानी के माध्यम से बना। कुंभ बांधा जल रहे और जल बिनु कुंभ ना हो, जल के बिना कुंभ नहीं बनेगा। और जल रखना है तो घड़ा चाहिए, बिना घड़ा के पानी कैसे रखेंगे? लेकिन घड़ा बना किससे? पानी से। वैसे ही ज्ञाने बांधा मन रहे, मन को अगर बांध के रखना है, भागे ना, मन को वश में करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान आधार है, लेकिन ज्ञान होगा किससे? ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिनो ज्ञान ना हो। बिना मन के ज्ञान नहीं होने वाला। अभी आप यहां हैं, ज्ञान की चर्चा हो रही है। ज्ञान की चर्चा क्या हो रही है? आप लोग सामने निवेदन कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए ज्ञान की यहां चर्चा हो रही है, लेकिन उस ज्ञान की चर्चा को पकड़ने के लिए मन चाहिए। हम यहां शरीर से जरूर बैठे हैं, मन कहीं दूसरी जगह लगा है। अब आपको पूछ दिया जाए कि क्या बोले अभी, तो आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं था यहां। तन तो था लेकिन मन नहीं था, मन कहीं और भटक रहा था, वह दूसरी चीज को सोच रहा था। इसलिए जो बातें कह रहे कही जा रही थी ज्ञान की, वो पकड़ से बाहर हो यहीं बैठे हैं। अगर मन उधर न ध्यान दे तो हमारे सामने से कोई दूसरा पूछा जाएगा, आपको पूछा जाए कि फलाना गया क्या? पता नहीं, कोई गया ऐसा लगता है, लेकिन कौन गया पता नहीं। क्यों पता नहीं चला? आपके सामने से गुजरा, आपके नजरों ने तो देखा उसको, देखा नजरे तो खिड़की है ना, ठीक है देखा, लेकिन देखने वाले का जो मन था वो तो कहीं और लगा था ना, वह और कहीं और लगा था। तो मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। आइए साखी पर, दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। आदमी दौड़ता है, दौड़ लगाता है, वो दौड़ किसकी है पता है? साहब कहते हैं वो पैर का दौड़ नहीं है, वो शरीर का दौड़ नहीं है। शरीर आपको नहीं दौड़ा रहा है, शरीर आपको नहीं दौड़ा रहा है। दौड़ जरूर है शरीर से यार, लेकिन शरीर आपको नहीं दौड़ा रहा है। कौन दौड़ा रहा है? दौड़ाने वाला मन है। मन आपको बैठने नहीं देता है, वो भगाता रहता है। यहां कुछ मिलेगा। पढ़ने में सुख मिलेगा तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पर नौकरी हो गई तो नौकरी से सुख मिलेगा, उसमें नहीं मिलता है तो शादी हो जाए सोचते हैं,
शादी हो जाती है इसमें सुख नहीं मिलता है, बाल बच्चे आ जाए तो फिर अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। बाल बच्चे आ जाते हैं उसमें भी सुख नहीं मिलता है, फिर और कुछ सोचते हैं, और कुछ सोचते हैं, और कुछ रुपये पैसे धन दौलत बढ़ जाए, और यही ऐसे ही सोचते सोचते भागते भागते जिंदगी का अंत हो जाता है, सुख नहीं मिलता है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े विद्वान राजे महाराजों के अंतिम भाषण, अंतिम शब्द क्या है आपको बताओ, पुस्तक उनकी पढ़िए, उसके जीवन जीवन बेस कीमती थी, लेकिन जीवन तो मैंने औरंगजेब। मुसलमानों में बहुत से राजा हुए हैं, है ना, बाबा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके लड़के आते हैं औरंगजेब, इसका और बहुत बड़ा सम्राट था। औरंगजेब की भाषा है, सबसे बड़ा सम्राट हुआ औरंगजेब भारत में, वो अंतिम में कहते हैं अपने लड़के से, शायद बोलते हैं कि यह जीवन बेशकीमती था लेकिन मैंने उसको यूं ही खो दिया। एक बहुत बड़े सम्राट की बात है, आप हम तो कौन खेत की मूली है साहब, बड़े बड़े लोगों की ये दशा है तो हम छोटे को क्या कहते हैं। लेकिन जो समझ जाए, अभी कहेगा यदि मुक्त दिल से सही चाह, जो समझता है, इसके पहले बता रहे थे ना कि गुरु की जो गुणवत्ता है, गुरु की महिमा को जो समझता है, जीवन को जो समझता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे होता है। एक कवाली में बात आती है, गाया गया है कि जिंदगी के जो समझा जिंदगी को रोता है, जो जिंदगी को समझता है, जिंदगी के महत्व को समझते हैं, श्वास के महत्व को समझते हैं, ऐसे में तो लगता है कि जिंदगी थी यूं मिल गई, यूं नहीं मिली है, बहुत पेपर पापड़ बेलना पड़ा है ना, रत्ती रत्ती भर इंतजार करना, कितना कहते हैं 84 लाख योनि को भटक करके यह मनुष्य शरीर मिलता है, कहते हैं 84 लाख योनि को पार करने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और इस मनुष्य शरीर को पार करके हमें 84 लाख पार होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, 84 लाख के फेरा में फिर फंस जाते हैं, फिर उसी में फंस जाते हैं। 84 लाख की योनि को पार करके कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मतलब एक बार फिर अवसर मिला हुआ है कि 84 लाख की योनि से आप पार हो सकते हैं, लेकिन जब मिलता है तो तैयारी किसकी हो जाती, फिर 84 लाख योनि में भटकने की हो जाती, यानी फिर वही गर्भवास में जाने की तैयारी हो जाती। क्यों? क्योंकि जो मन के बंधन है, मन के जो राग द्वेष है, मन के जो कला कल्पना है, वह नहीं छूटता है, जीवन हमारा वही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मत्सर लड़ाई झगड़ा तू मैं इसमें फिर फंस जाता है, तो कहां जाना है कि वही 84 लाख। तो ये जो जीवन मिला हुआ है, जो इस चीज को समझता है कि हे भगवान, हे सतगुरुदेव, न जाने कितने कितने योनियों का, देखते हैं ना जो अन्य खाने के है तो एकदम दूसरे के हाथों में, जानवर को कहीं बांध दे, मच्छर काट रहे, ठंड लग रही है, कुछ नहीं बोल सकते, बंधा है तो बंधा है, मार पड़ती है उसको जोता जाता है, तमाम दुख, तो जो समझता है उस दुख को देखता है। अब गर्भवास में दुख है कहते हैं, पता देख के पता चलता है कि हाँ गर्भवास में दुख है, बात सही है, लेकिन उससे बाहर आ गए तो उस दुख को हमने भुला दिया, भुला दिया, गर्भवास में जो दुख मिला वो भुला दिए। वैसे ही सारे चीजों को देख करके भी, ये हमारे साथ बता रहे हैं कि संसार के दुखों को देख करके भी हम उसको निग्लेक्ट करते जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो समझते हैं कि हे सतगुरु, नाना योनियों में भटकते भटकते इस मनुष्य शरीर में आया हूं, अब इस जीवन को कैसे सार्थक बनाऊं, कैसे सार्थक, कैसे सफलता मिले मुझे इस जीवन में, भजन और भक्ति में मन को कैसे लगाऊं, कैसे मेरे ज्ञान वैराग ये अध्यात्म के मार्ग प्रशस्त हो, आगे बढ़ो, इसके लिए कम प्रयास हो जाता है और रुपये पैसे धन दौलत को ज्यादा महत्व देते हैं। तो सारा समय और शक्ति और धीरो दिमाग कहां लग जाता है,
वही दुनिया के चीजों को पाने में मायावी संसार झमेला, तो मायावी संसार झमेला में फिर फंस जाते हैं। माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले बधरी पानी, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो अध्यात्म क्षेत्र में तो लग गए, मार्ग तो मिला, लेकिन जो काम करना चाहिए वह काम नहीं कर पाते हैं। ये क्या सतोगुण, मनुष्य लगता है कि हम साथ, अरे दुर्व्यसन छूट गया, मोटा मोटा दोष छूट गया, तो लगता है कि हम अच्छा जी रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं। अच्छा जीने का मतलब है कि जीवन से सारा दुख दूर हो जाए और मन एकदम निर्मल हो जाए, किसी प्रकार की शिकवा शिकायत गिलापन ना रहे, तब तब जन निर्मल मन जन सो मोही पावा, निर्मल मन जन सो मोही भावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र वाले को नहीं मिलता ये सुख या भगवान या आत्मा, आत्मधन जो मिलना चाहिए वो छल कपट अगर हमारे मन में है तो नहीं मिलने वाला। निर्मल मन, मन की बात हो रही है कि दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन की दौड़, हमें दौड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है। कौन दौड़ाता है? मन दौड़ाता है। और किसका मन दौड़ाता है? दूसरे का मन नहीं दौड़ाता है। आपका मन मुझे नहीं दौड़ाएगा, मेरा मन आपको नहीं दौड़ाएगा, मेरा मन ही मुझे दौड़ाएगा, आपका मन ही आपको दौड़ाएगा। तो दौड़ दोष भरे दूसरे को हम लगाते हैं, क्या इसके वजह से मुझे दुख मिला, क्या इसके वजह से मुझे ये हानि उठाना पड़ा, क्या इसके वजह से मुझे इस तकलीफ में जाना पड़ा। नहीं नहीं, अपना अपना सोच है, अपने वजह से हम दुख पाते हैं। अगर हमारे सामने का ना सामने वाला तो प्रशंसा भी कर सकते हैं और निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रशंसा में बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरी कोई इज्जत है यार, मुझे कोई मानते हैं, चार दिन मेरे पीछे चलते हैं, अगर ऐसे हो तो फिर यही चीज खोजते रहेंगे कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी बड़ाई करें, लोग मेरे पीछे चले, लोग मेरे कहना माने। और जब नहीं होगा, मेरी बातों को काट देंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मन में क्या होगा? रोष आएगा, मन में रोष पैदा होगा, क्रोध आएगा। अभी किसका है? मेरा ही मन, मेरा ही मन है जो मुझे दुख दे रहा है। मन दौड़ाता है और मन के कारण आदमी भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। कुत्ते को आप देखें, कुत्ते अपने पूंछ पकड़ना चाहते हैं, आप देखे होंगे कुत्ते जो है अपना पूंछ पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने के लिए मुंह पीछे तरफ लाते हैं, जब मुंह पीछे तरफ लाते पीछे की बाजू फिर पीछे हो जाती है, तो वो फिर गोल घूम जाते हैं, गोल घूम जाते हैं, पकड़ना चाहते हैं, फिर उसका वो फेरा लगाता रहता है, पकड़ में नहीं आता। मृगर को देखते हैं, मृगर के तो आप जानते होंगे, मृगर कहते हैं कस्तूरी के सुगंध को पाने के लिए वन वन में घूमते हैं, भटक भटकते हैं, भागते हैं कि सुगंधि कहां से आ रही है। कवि साहब ने इसका बढ़िया साखी भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत जाना। कस्तूरी की कहानी है, मृग की कहानी नहीं है, हम लोगों की कहानी। हम लोग भटक रहे हैं, सुख शांति को बाहर खोजते हैं, मन दुख कहाँ है? अंदर है, मन में है, अपने अंदर। और सुख शांति कहाँ खोजते हैं? इलाहाबाद, काशी, जगन्नाथ, कहाँ कहाँ दुनिया भर घूमते हैं, यहाँ वहां, ये गुरु वो गुरु। साफ सुथरा सिद्धांत मिल जाए, जैसे कबीर साहब का सिद्धांत एकदम साफ सुथरा, साफ साफ। गणित में दो और दो कितना होता है? दो और दो चार। कबीर साहब का सिद्धांत ऐसा है, दो और दो चार की तरह, एकदम गणित की तरह, दो दो तीन या पांच होने वाला नहीं है, तीन पांच होने वाला नहीं है, दो दो चार यानी चार। कबीर साहब का सिद्धांत एकदम साफ साफ कहने वाला, प्रकृति कारक कार्य के व्यवस्था के अनुसार कहने वाला, साफ साफ। कहीं गुमराह नहीं, भटकाव नहीं, अंधविश्वास नहीं, चमत्कार नहीं। किसी शायर ने कबीर साहब ने कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ,
कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये कबीर साहब के लागू होता है। वो सच्चे पथ के राही थे और साफ साफ कहने वाला और लोगों के बीच में पुकार करके कहने वाला। इसकी वाणी आप पढ़ेंगे कहीं कभी पुकार के लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहे आपने चले हमारे साथ। जो अपना घर जलाएगा वो कभी के साथ हो सकते हैं। अपना घर मतलब उसके एक्सिस ने अपने कुटिया जला दिया और कबीर साहब के साथ हो गए। कबीर साहब अब मैं आपके साथ चल सकता हूँ? कैसे चल रहे हो भाई? अरे मैंने अपने कुटिया में आग लगा दी। अरे भैया कुटिया में आग लगाने की जरूरत नहीं है, और कुटिया में क्या आग लगाओ? अंदर की जो बना हुआ है हंता ममता राग द्वेष की जो गांठें बनी हुई है उसको जलाने की बात है। उसको जो जला देगा वो अपने मन के गांठे को जो जला देगा खोल देगा वो कबीर साहब के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं। तो दौड़िया जहां तक मन की दौड़, आदमी दौड़ लगाता है कि संसार से धन दौलत रुपये पैसे मिले तब सुख मिलेगा। सिकंदर की कहानी सुने थे ना? सिकंदर चला था विश्व विजेता होने के लिए, रास्ते में संत मिले, उसने उनको बुलाया और सिकंदर से पूछा कि कहाँ जा रहा है? कहे कि विश्व विजेता बनने के लिए जा रहा हूं। पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। जब उसके पिताजी जब अन्य देश को जीत करके आते थे तो सिकंदर खुश नहीं होता था। उसके पिता कहता था कि भाई सब लोग खुशी मना रहे हैं, पूरी प्रजा, आप लोग खुश नहीं होते हैं? तो सिकंदर कहते हैं कि पिताजी जब सारा चीज आप जीत लेंगे तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा, मैं क्या जीतूंगा? मतलब इतना तेज तर्रार आदमी था, पहले से उसके मन में ये भूमिका बनी थी। और जैसे उसका पिता मरा शायद 18 साल में राजा हो जाता है सिकंदर, और 18 साल में ही विश्व विजेता के लिए निकलता है। तो रास्ते में संत मिला, उसने कहा कि कहां जा रहे हो? विश्व विजेता बनने के लिए, मैंने पूरी पृथ्वी को जीतना चाहता हूँ। तो जीत लोगे उसके बाद क्या होगा? फिर सुख से रहना चाहता हूँ। पूरी पृथ्वी को जीत लेने के बाद वो कहते हैं कि सुख से रहूंगा, सुख से रहना चाहता हूँ। वो संत ने कहा कि जो पाइप में रहता था, जो पाइप होता है ना पानी बहता है जिधर से, क्या कहते हैं आप लोग जाने, बड़ा बड़ा पाइप होता है नाला में जो लगाया जाता है, उसी पाइप में रहता था। तो वो संत कहते हैं कि सिकंदर मैं इसी पाइप में रहता हूं, मैं इसी पाइप में रहता हूं, बड़ा सुखी हूं, और तुम भी आ जाओ, ये जो पाइप है हम दोनों के लिए पर्याप्त है। उसने कहा कि तो मैं बनूंगा तो आपकी तरह संत, या तो फिर विश्व विजेता। तो संत नहीं बन पाए, विश्व विजय के निकले और घर भी नहीं लौट पाए, रास्ते में मर गया कहते हैं, बहुत हल्की उम्र। तो आदमी खोजता है कि बाहर सुख मिलेगा, धन दौलत मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। ये कहानी कही जाती है संत लोग। एक राजा ने कहा कि जो जितना दौड़ लगाएगा उतनी जमीन उसकी, जो जितना दौड़ लगा करके जमीन को घेर ले उसकी जमीन उतनी है, लेकिन सूर्य डूबने से पहले जो है जहां से शुरू के वहां पहुंच जाना चाहिए। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है और बहुत सस्ती जमीन, आजकल तो जमीन कीमत जानते हैं ना। एक आदमी तैयार हो गया तो दौड़ने चला, फूटा गाड़ दिया, वहां से दौड़ लगाया और दौड़ते 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 गया, लेकिन उधर से लौटना भी था। लौटे वहां से, अब सूरज अस्त होने वाला था, डूबने वाला था। उसने देखा करके डूब ना जाए, क्योंकि डूबने से पहले उसको पहुंचना था जहां से गया था वहां। तो बहुत दूर गया और वहां से लौटा, लौटते 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 जो है जल्दी जल्दी के चक्कर में भागते गए और एक जगह गिरा और वहीं उसका प्राण अंत हो गया, उनका श्वास वहीं छूट गया, वहीं मर गए। राजा ने कहा कि इसके लिए इतनी ही जमीन है, वहीं पर उसको कार भी कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, और कहा चुनाए मेघ या लंबी भीड़ पसार। अंत में कितनी जमीन चाहिए? 3.5 हाथ, और पौधे में चाहिए तो 4.25 साहब कहते हैं।
घर तो साढ़े तीन हाथ घना तो पौने चार और कहा चुनाव मीडिया लंबे भी फसा कहा कितना चुनाव गए थे लिखे रहे थे। तो ये हमारी दशा है। साहब कहते हैं दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। आदमी का मन उसे दौड़ाता है, नचाता है, भगाता है और मिलता कुछ नहीं है। और इस रेस में हम सब हैं, हम सब लगे हुए हैं। भगत जगत साधु संत लड़के बच्चे सब इस रेस में लगे हुए हैं, सब भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा। एक आदमी था बड़ा आलसी था। उसकी पत्नी से खटपट होती रहती थी और वो स्वभाव से चोर भी था। जो आलसी होते हैं ना तो पैसा भी तो चाहिए, केवल आलसी तो थोड़ी आलसी होते हैं, पैसा भी चाहिए, खर्चीला भी था। तो वो आदमी थोड़ा स्वभाव से चोर था। तो वो चोर था, एक घर में घुस गया और वहां से उसने ढूंढते ढूंढते क्या मिल गया, बड़ा सा घर था, घुस गया तो सोने की थाली मिल गई उसको। सोने की थाली मिल गई तो लेकर के भग गया वो आदमी। घर वाले जान गए तो जान गए तो उसको दौड़ाए चोर 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 करके। तो आदमी भागा जा रहा है, वो आदमी चिल्लाया जा रहा है कि चोर चोर। तो जो पुलिस पहरा देता था वो सुन लिया, तो वो अपना सीटी बजाते हुए भागा। चोर चोर की आवाज सुनकर वो भी भागा और लोग भागे। वो चोर सबसे आगे है, उसके पीछे वो थाली वाला मकान मालिक, वो उसका पीछा लगा है, उसके पीछे पुलिस लगी है और पब्लिक दौड़ रहे हैं चोर चोर चोर। अब वो भाग गया, चला गया अपने घर में, घुस गया। उसकी पत्नी को दिखाया, देखो मैं क्या लाया हूं। देखा कह रहे सोने की थाली कहां से मिल गई, कहां से मिली सोने की थाली। अरे भाई बड़ा मेहनत करके लाया हूं मैं, बड़ा मेहनत, आलसी एक नंबर पे तो आलसी आदमी हो। और सोने की थाली तुम कैसे कमा लोगे, कहां से इतना खरीद लो, कहां से पैसा पाओगे। अरे बहुत मेहनत करके लाया हूं। अरे क्या मेहनत किए यार, देखते नहीं कितना पसीना पसीना हूं, कितना मेहनत किया हूं। तो कौन सा मैं ऐसा मेहनत किया कि सोने की थाली आपको मिल गई। उसने कहा इसे रेस में जीता हूं, दौड़ में जीत करके लाया हूं, सबसे आगे था मैं, मेरे पीछे थाली वाला था, उसके पीछे पुलिस। पत्नी कहता भैया नहीं ये ठिकाना, ये दौड़ किसकी दौड़ है, मन की दौड़ है। ये दौड़ में हम सब लगे हुए हैं भैया, जहां तक मन की दौड़ दौड़ हमें, मन हमें दौड़ा रहा है। नजर से तो देखते हो तो कितना दूर दिखेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन जो मन की दौड़ है ना वो भयंकर है। वहां से सीधा अमेरिका दिखेगा, इस पृथ्वी से उस किनारे पृथ्वी मिलती, मतलब इतना नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौड़। कबीर साहब ने कहा सबसे आगे में क्या है, नजर है। नजर से जितना दूर दिखते हो किसी चीज से कवर नहीं करता, लेकिन मन इसके भी आगे, नैनन आगे मन बसे, इस नजरों के सामने वो मन बसता है। तो सम गुरुजन विराजमान होते